गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सोइल एज अ रिसोर्सेस। सोइल एज अ रिसोर्सेस फर्स्ट पॉइंट है, सोइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसका मीन्स ये होता है कि सोइल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल मतलब रिन्यू होने वाला रिसोर्सेस है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका जो जीवन है वो अर्थ पर डिपेंड है, मतलब इस सोइल पर डिपेंड है। द सोइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सोइल एक लिविंग सिस्टम होता है, यहाँ पे प्लांट की और ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है, इसलिए इसको लिविंग सिस्टम कहा जाता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन द डेप्थ। ये अपनी डेप्थ को बढ़ाने में मतलब एक सेंटीमीटर की डेप्थ बढ़ने में इसका मिलियंस ऑफ ईयर लग सकता है। रिलीफ पेरेंट्स रॉक एंड बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, रॉक से हैं और जो लाइफ के अदर फॉर्म है ये और टाइम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सोइल के फॉर्मेशन में। तो हम कह सकते हैं कि सोइल एक ऐसा रिसोर्सेस है जिससे लाइफ भी मिलती है, ग्रोथ होने में हेल्प भी होती है। इसको ग्रोथ की जो कंडीशन बनती है, जो सोइल को ग्रोथ होने की कंडीशन बनती है सेंटीमीटर में, इसमें समय लगता था। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सोइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। इंडिया के अंदर 6 टाइप्स की सोइल है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हज़ारों टाइप की सोइल्स होती है, लेकिन इंडिया में 6 टाइप की सोइल्स अवेलेबल है। वो अपने कलर से, अपनी थिकनेस, अपने टेक्सचर, अपनी एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचानी जाती है। मेजर सोइल टाइप कौन कौन से हैं इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सोइल्स इट मीन्स मेजर टाइप्स ऑफ सोइल्स जो हैं इंडिया में 6 टाइप्स की है, जिनको 6 टाइप में क्लासिफाइड कर रखा है। सोइल रिसोर्सेज टाइप ऑफ सोइल रिसोर्सेज फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल, सेकंड ब्लैक सोइल, थर्ड रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल एंड लास्ट है फोरेट सोइल। इन सारे टाइप्स के बारे में डिटेल्स में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा एल्यूवियल सोइल, मोस्ट वाइडली स्प्रेड इट मीन्स दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल। एल्यूवियल सोइल जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड होने वाली सोइल है। ओल्ड एल्यूवियल सोइल हैज कांकर नोड्यूल, इट इज ए बंगार सोइल। काका नोडिल होने के कारण इसको बंगार सोइल कहा जाता है। न्यू एल्यूवियल सोइल हैज़ फाइन पार्टिकल्स, जो न्यू एल्यूवियल सोइल है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको कादार सोइल कहा जाता है। इसके अंदर हैज़ फॉस्फोरिक लाइम एंड पोटास कंटेंट, इसके अंदर फॉस्फोरिक लाइम एंड पोटास कंटेंट होते हैं, इसके कारण ये फर्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोइल है। तो एल्यूवियल सोइल की जो इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल इज इन ब्लैक कलर, ब्लैक सोइल जो है वो ब्लैक कलर में होती है, इसको रेगुलर सोइल भी कहा जाता है। सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए कॉटन, ब्लैक सोइल जो है एक कॉटन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत सुइटेबल सोइल है। इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ब्लैक सोइल जो है वो ब्लैक कलर की होती है और ये अधिकतर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एरिया में पाई जाती है, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में जो सोइल होती है वो ब्लैक सोइल होती है। थर्ड सोइल है
red and yellow soil. It is developed on crystalline igneous rock. It means crystalline igneous की जो चट्टानें होती है उन चट्टानों में इसका development होता है. Need less rainfall. ये जो rocks होती है इसके लिए बहुत कम बरसात की ज़रूरत होती है. Found in Odisha and Chhattisgarh. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में ये रेड एंड येलो सोइल फाइंड आउट होती है. ये हमको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में हमको मिलेगी. नेक्स्ट सोइल है लेटराइट सोइल. नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. इस सोइल के लिए हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है. इट मीन्स इस सोइल में किसी भी चीज़ का ग्रोथ करोगे तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए और हैवी रेनफॉल होना चाहिए. स्वीटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए बहुत स्वीटेबल है और टी और कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है. ये जो लेटराइट सोइल है ये अधिकतर हमें फाउंड इन तमिलनाडु केरल एंड आसाम. तमिलनाडु केरल और आसाम के एरिया में ये हमें मिलती है और यहाँ पर कॉफ़ी और टी का प्रोडक्शन इट मीन्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. फिफ्थ टाइप ऑफ सोइल जो है इंडिया में एरिड सोइल है. रेडिश ब्राउन इन कलर. इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है. हाई सॉल्ट कंटेंट. इसमें जो हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, सॉल्ट कंटेंट होने के कारण इसमें पानी की आवश्यकता होती है. वाटर के की अवेलेबिलिटी होने के बाद ये एग्रीकल्चर के लिए एबल सोइल है. फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान. वो राजस्थान के ड्राई एरिया में ये पाया जाता है. इस पिक्चर के अंदर हमें ये शो हो रहा है कि एरिड सोइल किस टाइप की होती है. तो एरिड सोइल जो है इंडिया के राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में पाई जाती है. टाइप्स ऑफ सोइल में लास्ट सोइल है फॉरेस्ट सोइल. इट इज़ फाउंड इन ए रेन फॉरेस्ट रीजन्स. मतलब रेन फॉरेस्ट रीजन्स जो है इंडिया के वहाँ पर ये पाई जाती है. क्ले टेक्सचर नियर वैली साइड. क्ले टेक्सचर और नियर वैली साइड में अधिकतर ही हमको मिलती है. एसिडिक इन स्नो कवर्ड एरिया. एसिडिक स्नो कवर्ड एरिया ये कवर करती है. अधिकतर ये जो फॉरेस्ट सोइल है हमको फॉरेस्ट के एरिया में हमको अवेलेबल होगी. वहाँ पे उसका जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.